हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की स्टैंडर्ड मैथ एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को चालू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जब वीडियो को आप ऑन करोगे तो वीडियो में ही सारे क्वेश्चन आपको विथ एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने उसका पीडीएफ डाउनलोड कर दिया है, आप उसमें से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं और उसका सलूशन मैं अब बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं, फ्रैक्शन को हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रैक्शन हमारा 2 days 1/2 प्लस 1 days 1/2 माइनस 2 days 1/3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए जो होल नंबर होता है वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करता है, नॉमिनेटर को प्लस करता है। तो ये आपका होगा 2 2 4 1 5, तो आप यहाँ पे 5/2 लिखोगे प्लस 1 2 2 1 3, ये आपका होगा 3/2 माइनस 2 3 6 1 7 7/3। क्लियर? 2 2 और 3 का आप क्या निकालोगे, एलसीएम फाइंड करोगे। तो एलसीएम आप निकालोगे तो 2, 2, 3 का आप एलसीएम फाइंड करोगे तो 2 से आप डिवाइड करोगे 1 2 1 2, 3 डिवाइड नहीं होगा राइट करोगे, अब इसको 3 1 3, ओके एलसीएम कितना हुआ 3 2 6, 6 से एलसीएम हुआ। तो यहाँ पे आप एलसीएम राइट करोगे और ये होगा 5 × 2 को 6 बनाने के लिए आप क्या करोगे, देखो इसको इस प्रकार से करना है 5/2 × एलसीएम के बराबर करना है 3 × करोगे तो ये आपका कितना होगा 15/6, मतलब 5 में आप देखो किसका मल्टीप्लाई कर रहे हो, 3 कर रहे हो क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। प्लस यहाँ पे होगा 3 × 2 है तो 2 को 6 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 7 × 3 को 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? 5 3 15 प्लस 3 3 9 माइनस 7 2 14/6, ओके ये आपका हुआ 14। में आप क्या करोगे 15 में 14 को माइनस करोगे 1 पॉजिटिव आएगा और 9 को प्लस करोगे तो 10 10/6, इस दोनों इवन नंबर हैं तो इसको लोवेस्ट में करोगे तो ये आपका होगा 2 5 10 2 3 6, मीन्स 5/3 मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 2/3, ओके दैट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही प्रोसीजर है, होल नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए होल नंबर को हम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं और नॉमिनेटर को प्लस कर देते हैं। तो 4 5 20 और 21 21/5 माइनस 3/10 माइनस 7/5, एलसीएम लोगे तो कितना होगा, नॉर्मली है कि 5 और 10, 5 2 10, मतलब एलसीएम कितना होगा 10 होगा। 21 × 2 माइनस 3 × 1 माइनस 7 × 2, ये कहां से आया, देखिए 5 को 10 बनाने के लिए हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 10 बनाने के लिए 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 10 बनाने के लिए 2 का आप मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर? ये मल्टीप्लाई किसमें होता है, नॉमिनेटर में होता है। क्लियर? ये आपका हुआ 42 माइनस 3 1 3 माइनस 7 2 14, ओके अपॉन 10, अब इसको आप देखो प्लस माइनस माइनस, 42 में 40 को आप क्या करोगे 14 को माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 8, ये आपका हुआ 28, ओके 28 में 3 को और माइनस करोगे 25 होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे 25/10, 5 से डिवाइड करोगे 5 1 5, 5 2 10, तो ये हुआ 5/2 मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे 2 2 4, 2 days 1/2, दैट्स आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th दोनों को हम राइट कर लेते हैं, फिर इसके बाद कमसा इसका सोल्यूशन बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3rd आपका दिया हुआ है,
3 रेस 1 अपॉन 2 प्लस 2 रेस 2 अपॉन 3 माइनस 4 रेस 2 अपॉन 5, ये थर्ड क्वेश्चन आपका दिया है, जबकि फोर्थ क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 9 रेस 2 अपॉन 5 माइनस 4 रेस 1 अपॉन 2 माइनस 3 रेस 1 अपॉन 3। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड को हम सॉल्व करते हैं, तो थर्ड आपका दिया हुआ है 3 रेस 1 अपॉन 2, तो 3 2 या 6 1 7, 7 अपॉन 2 प्लस 2 3 या 6, 6 2 8, 8 अपॉन 3 माइनस 4 5 जब 20 हो जाएगा, और 20 प्लस 2 22, 22 अपॉन 5 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा 2 3 या 6, 6 5 जब 30, तीनों डिफरेंस नंबर होते हैं और तीनों में कॉमन फैक्टर नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, इसका तीनों का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 30 आपका एलसीएम होगा। ओके, ये हुआ 7 इंटू 2 को 30 बनाने के लिए इसमें 15 का इंटू करना पड़ेगा, प्लस 8 इंटू 3 को 30 बनाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 22 इंटू 5 को 30 बनाने के लिए 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 7 जा 105 प्लस 8 10 जा 80 माइनस 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 130 अपॉन 30। अब इन दोनों को आप प्लस करोगे फिर माइनस कर दोगे, तो जब आप प्लस करते हो तो 185 माइनस 132 अपॉन 30 हो जाएगा, माइनस करोगे तो कितना होगा, 5 में 2 आप माइनस करोगे तो 3, ये 5 में आप 3 को माइनस करोगे 5 अपॉन 30, मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 1 रेस 23 अपॉन 30, ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन 9 रेस 2 अपॉन 5, यानी 9 5 जब 45 टू 47, 47 अपॉन 5 हो जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 1 9, 9 अपॉन 2 माइनस 3 3 जा 9, 9 1 10, 10 अपॉन 3। एलसीएम आप लोगे तो सेम वही प्रोसेस, 30 आपका एलसीएम होगा, क्लियर, 47 इंटू इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, 6 का मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 30 बनाना है, 5 को 30 बनाना है तो 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 9 इंटू इसमें किसका होगा, 15 का होगा, माइनस 10 इंटू 10 का हो जाएगा, इसका आप इंटू करोगे 6 7 जा 42, 4 कैरी 6 4 जा 24, 28 282 होगा, माइनस 59 जा 135 माइनस 100 अपॉन 30, ये आपका हुआ 282, माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस 235 अपॉन 30, माइनस कर लो तो माइनस करोगे तो ये 7, 12 में 5 माइनस होगा 7 होगा, ये हुआ 7, 7 में आप 3 को माइनस करोगे 4 अपॉन 30, मिक्स फ्रैक्शन में करोगे तो 1 रेस 27 अपॉन 3 होगा, दैट्स आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैंने वीडियो शुरू होने से पहले ही मैंने आपको बताया है कि इसकी वीडियो जो इसका जो इमेज है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग से पहले ही भेज दिया है, आप उसको देख लेना। मीना हैज सेटिन रिबन्स 10 मीटर, यानी मीना के पास जो है, यहां पे लिखेंगे मीना के पास, मीना हैड रिबन, मीना के पास कितना रिबन है, 10 मीटर रिबन है। ओके, 10 मीटर रिबन है। ओके, सी हैज कट टू पीस, वह जो है टू पीस को कट करती है, ठीक है ना, वॉट इज द लेंथ ऑफ द रिबन लेफ्ट, उसके पास कितनी रिबन लेफ्ट हुई। ओके, तो यहां लिखेंगे सी कट टू पीस ऑफ रिबन,
रीवन को टू पीस में कट करती है। पहला कट कितना दिया हुआ है, 3 raised 1/2, और दूसरा दिया हुआ है एंड 2 raised 1/4। ओके, तो लेफ्ट कितना हुआ, तो यहां लिखेंगे लेफ्ट रीवन इक्वल टू 10 उसके पास था, पहला पीस उसने कट किया 3 raised 1/2, दूसरा पीस उसने कट किया 2 raised 1/4। तो इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है और 10 से माइनस कर देना है। तो 10 माइनस इन दोनों का आप मिक्स फ्रैक्शन से इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 6 1 7 7/2 प्लस ये आपका होगा 2 2 4 1 sorry 2 2 4 2 8 8 1 9 9/4। ओके, तो यहां पे आप लिखोगे 10 माइनस एलसीएम लोगे तो 4 इसका एलसीएम होगा 7 × 2 + 9 × 1। अगर एलसीएम डिनोमिनेटर के इक्वल होता है तो 1 का मल्टीप्लाई करना है, अगर नहीं इक्वल होता है तो टेबल को हम टाइट कर लेते हैं। ओके, तो 10 माइनस ये हुआ आपका 14 + 9/4, ये आपका होगा 10 माइनस दोनों को आप प्लस करोगे, 14 में 9 को प्लस करोगे 23/4/1 कर लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा 4, ये हुआ 40 − 23 = −, करोगे तो कितना होगा 17/4, इसको रेस में कन्वर्ट करोगे तो ये आपका होगा 4 raised 1/4 meter रिवेन लेफ्ट। ओके, ये आपका आंसर होगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोला है फाइंड द वैल्यू, वैल्यू को हमें फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू 6/9 ऑफ 20, ऑफ मींस इनटू, तो यहां पे आपका होगा 6/9 × 20, इसको आप देखो किससे डिवाइड कर सकते हो, 9 तो 20 को नहीं डिवाइड कर सकता है, इसको आप कट करोगे 3 से 3 तो 2 जा 6 3 3 जा 9, इसका आप इंटू कर दो तो ये आपका होगा 40/3, दैट्स आंसर। सेकंड क्वेश्चन 3/10 ऑफ 70, तो इसको आप लिख सकते हो 3/10 × 70, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो 3 7 जा 21, दैट्स आंसर। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2 ऑफ 4 raised 2/7, तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/2 × 4 7 जा 28 2 30, 30/7 क्या हो जाएगा 7। ओके, 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 5 जा 5 2 5 जा 10, तो ये आपका होगा 15/7, दैट्स आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फोर्थ दिया हुआ है 1/9 ऑफ 6/5, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/9 × 6/5, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, कोई नंबर नहीं कटेगा तो ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 3 5 जा 15। ओके, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि कट आपको क्या करना है, अप और डाउन कट करना है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रंट फ्रंट मल्टीप्लाई करोगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया हुआ है 3/7 ऑफ 2/5, ये दिया हुआ है तो आप यहां लिखेंगे 3/7 × 2/5, कोई नंबर डिवाइड हो सकता है क्या अक्रॉस, नहीं हो सकता है, तो आप क्या करोगे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दोगे 3 2 जा 6 / 7 5 जा 35, दैट्स आंसर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सिक्स आप देख लो क्या दिया हुआ है 1/3 ऑफ 1/6, तो ये आपका होगा 1/3 × 1/6,
तो ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, अक्रॉस डिवाइड हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे, कट नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्टली इनटू करोगे फ्रंट, वन वन जा वन, थ्री सिक्स जा एटीन, तो वन अपॉन एटीन, दैट्स आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ वन केजी पोटैटोज इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ, यानी यहां पे लिखेंगे आप, देखो यहां पे दिया है कॉस्ट प्राइस ऑफ वन केजी पोटैटो इक्वल टू 12 raised to 1/2 rupees, ओके आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 5 kg पोटैटोज, ओके ये फाइंड करना है, क्या है मालूम नहीं। तो याद के देखो, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटीज आप बढ़ाओगे तो वैल्यू भी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस कंडीशन में मैं क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 5 kg पोटैटो इक्वल टू, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 5 × 12 raised to 1/2, ये आपका होगा 5 × 12 to 2 = 24, 125 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 25 × 5 = 125/2 मिक्स फिक्सर में करोगे तो ये आपका रुपीज हो जाएगा 2 × 3 = 12, 2 × 6 = 12, 2 × 2 = 4, 1/2 यानी 62 raised to 1/2 rupees। आप कह सकते हैं 62.5 rupees, ओके दैट्स आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल का हमें क्या बताना है, एरिया बताना है। तो ये फिगर क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, 10 raised to 1/2 एंड ब्रेथ आपका दिया हुआ है 6 raised to 1/2 meter, ओके तो इसका एरिया क्या होगा, तो यहां पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 10 raised to 1/2 meter, इसको इन प्रॉपर फ्रैक्शन में यहीं पर आप कन्वर्ट कर लो, 10 × 2 = 20, ये आपका होगा 21/2 meter, ओके ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ आपका हो जाएगा 6 raised to 1/2 = 12 × 13, 13/2 meter। एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहां पे लेंथ कितना है 21/2 × 13/2, ओके आप इंटू करोगे दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो स्क्वायर मीटर होगा, यूनिट अक्रॉस कोई भी नंबर कट नहीं होगा तो फ्रंट मल्टीप्लाई करेगा 13 × 13, 13 × 2 = 26, 127 × 4 square meter। क्लियर? इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, वरना यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया हुआ है, डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 3 raised to 1/2 एंड 4 raised to 1/5 by product of 2 raised to 1/2 and 5 raised to 2/3। ये क्वेश्चन दिया हुआ, शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन को राइट किया है, आप जो है वीडियो में क्वेश्चन को देख लेना। क्लियर? तो क्वेश्चन ये बोला है आपको डिवाइड करना है, पहले तो इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, इसका भी हमें क्या करना है प्रोडक्ट फाइंड करना है और दोनों को क्या करना है, डिवाइड कर देना है।
तो इसको हम लिखेंगे 3 रेस 1 अपॉन 2 इंटू 4 रेस 1 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई 2 रेस 1 अपॉन 2 इंटू 5 रेस 2 अपॉन 3। ओके, ये आपका होगा 3 2 या 6, 6 1 7, 7 अपॉन 2 इंटू 4, 5 जा 20 और ये होगा 21, 21 अपॉन 5 डिवाइडेड बाई, ये आपका होगा 2 2 जा 4, 1 5, 5 अपॉन 2 इंटू 5 3 जा 15, 15 2 17, 17 अपॉन 3। क्लियर, इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 अपॉन 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाई, यहां से आपको मिलेगा 85 अपॉन 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई को डिवाइड में कन्वर्ट कर लो, 147 अपॉन 10 इंटू 6 अपॉन 85। ओके, 2 से डिवाइड करोगे 3, क्लियर, 2 से डिवाइड करोगे सॉरी 5 से डिवाइड करोगे सॉरी 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 2 5 जा 10। क्लियर, अब इसमें देखो किस नंबर को डिवाइड आप कर सकते हो, 17 से क्या ये डिविजिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। 3 से डिविजिबल है? नो। तो आप इसका इंटू कर लो, 7 3 जा 21, 7 4 जा 12, 13 14, ओके, 3 1 जा 3, 3 1 4 अपॉन 8 5 जा 25, 8 5 जा 40, 42, दैट्स आंसर। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 7, बाय सेलिंग 25 लैंप्स सेट एट प्राइस 205 रेस 1 अपॉन 2 ईच, फरीद में प्रॉफिट ऑफ इतना, हाउ मेनी सी परचेस लैंप। आपको बताना है कि सपोज 25 लैंप्स को, 25 लैंप्स यानी एसपी ऑफ 25 लैंप दिया हुआ है रुपीज 2 रेस 205 रेस 1 अपॉन 2 रुपीज। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 205.5 रुपीज। ओके, क्लियर, 1 अपॉन 2 मतलब 1 रुपीज का हाफ मतलब 50 पैसे। ठीक है, अब उसे प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट कितना होता है, सेल करने पर प्रॉफिट उसे मिलता है, प्रॉफिट कब मिलता है, जब कोई भी वैल्यू हम कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसमें उसको हम वैल्यू को खरीदते हैं तो उससे हम मोर देन प्राइस में बेचते हैं, तो उससे जो हमें मिलता है वो प्रॉफिट कहलाता है। प्रॉफिट कितना ले रहा है, रुपीज 137 रेस 1 अपॉन 2। ओके, और इसको लिख सकते हैं 137.5 रुपीज। ओके, अब सीपी कितना है, सीपी ऑफ 25 लैंप इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी माइनस प्रॉफिट कर दीजिए। ओके, एसपी कितना, 205.50 माइनस 137.50, दोनों को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 0. ये आपका होगा 15.8 कैरी देगा तो ये आपका हो जाएगा 9.6। ओके, 68 रुपीज का हमें मतलब 25 लैंप्स हमने 68 रुपीज में परचेस किया था। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, 8 नंबर का क्वेश्चन बोला है, इफ कोई भी नंबर दिया हुआ है, नंबर मान चलो कि दिया हुआ है 25 अपॉन 34, ये नंबर दिया हुआ है, इसमें कोई नंबर यक्स मल्टीप्लाई करता है
तो जो नंबर होता है वो 750 मिल जाता है। ओके, तो नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू ये मल्टीप्लाई है तो इसको इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा 750 डिवाइडेड बाई 25/34। ओके, x इक्वल टू आपका हो जाएगा 750 × 34/25। 25 से डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, 30 हो जाएगा। x इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो 0, 3, 4 जा 12 और 3, 3 जा 9, 1, 10। That's answer. Clear? Question number 9. Find the SCF. Okay? Find the SCF. आपको SCF find करना है. तो SCF, अगर कोई fraction दिया होता है, तो fraction का SCF क्या होगा? SCF of fraction. अगर SCF of fraction बोलता है, तो SCF of fraction आपका होता है, SCF of nominator, SCF of nominators upon LCM of denominator. ये फार्मूला होता है, फार्मूला। ओके, ये फार्मूला किसके लिए होता है, किसी फ्रैक्शन में जब SCF पूछता है। क्लियर? चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3/4 and 6/15। ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले SCF को फाइंड कर लेंगे। तो SCF ऑफ नॉमिनेटर, SCF of nominator कितना हो जाएगा, 3